दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए इंस्टाग्राम से डिलीट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको न्यू प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को नए तरीके से डिलीट कैसे कर सकते हैं। काफी पुराने तरीके हैं जो आप वर्क नहीं कर रहे हैं, आपको न्यू तरीका बताने वाला हूँ बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ। तो बस चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो डायरेक्ट चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कि इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे करते हैं। बस आपको वीडियो को स्किप मत करना भाई, क्योंकि स्किप करोगे तो न्यू प्रोसेस है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको आ जाएगी अकाउंट डिलीट करने में। तो अब चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और सामने आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, जैसा मैं बता रहा हूँ सेम आपको अपने मोबाइल में वैसा ही करना है। अब आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है नीचे नीचे। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद ऊपर ही ऊपर राइट टॉप कॉर्नर में आपको थ्री लाइंस मिलेंगी, इन थ्री लाइंस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जाना है आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन में, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ही ऊपर अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिखेगा, अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देना है। ये बिल्कुल न्यू प्रोसेस है, इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान से देखना वीडियो को। अकाउंट सेंटर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पर्सनल डिटेल्स का, मैं यहाँ पर मार्क भी कर रहा हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पर शो हो जाएगी, और यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का, तो अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेकंड नंबर पर, डीएक्टिवेशन और डिलीशन, तो डीएक्टिवेशन और डिलीशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। डीएक्टिवेशन और डिलीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो अकाउंट शो हो जाएंगे, एक तो है इंस्टाग्राम का, दूसरा है फेसबुक का। फेसबुक अकाउंट आपको यहाँ पर तब शो होगा जब आपका फेसबुक अकाउंट इंस्टाग्राम से कनेक्ट होगा, तब कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर शो नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये पेज मिल जाएगा, यहाँ पर डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट दो ऑप्शन है। अब क्या करना है, आपको डिलीट करना है अपने अकाउंट को परमानेंटली, यानी हमेशा हमेशा के लिए। तो डिलीट अकाउंट पर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको एक रीजन दे देना है इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट क्यों करना चाहते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम आपसे पूछ रहा है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट क्यों कर रहे हैं, एक रीजन बताइए। तो कोई रीजन आप दे सकते हैं यहाँ पर, तो मैं रीजन देता हूँ प्राइवेसी कंसर्न यहाँ पर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब रीजन दे दिया हमने, अब इंस्टाग्राम आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है इंस्टाग्राम पर, तो यहाँ पर इन पर क्लिक करके आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू ब्लॉक ए यूज़र, आई वॉन्ट ए प्राइवेट अकाउंट, आई वॉन्ट टू अनफॉलो ए यूज़र, माई अकाउंट वॉज हैक्ड, कोई प्रॉब्लम है इनमें से आपकी, तो इन पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम से हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो आपको अकाउंट डिलीट ही करना है तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है, तो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको एक मैसेज शो हो जाएगा यहाँ पर, कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन। एक बार और कंफर्म करना है आपको यहाँ पर, उससे पहले एक मैसेज को रीड कर लेना है यहाँ पर कि आप जिस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो मतलब वो अकाउंट आप डिलीट करने की रिक्वेस्ट आज दे रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट दी है मैंने आज, तो यहाँ पर मुझे मैसेज शो हो गया, यहाँ पर एक डेट शो हो गई है 25 जून 2023, यानी कि मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को आज डिलीट कर रहा हूँ, तो उसके 30 दिन बाद आपका अकाउंट डिलीट होगा। क्योंकि जब भी आप अपने अकाउंट को डिलीट करते हैं तो इंस्टाग्राम की पॉलिसी है आपको 30 दिन तक वेट करना है, 30 दिन के बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। मेरे में यहाँ पर डेट शो हो रही है 25 जून 2023। आप जब भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करेंगे तो उस दिन के 30 दिन के बाद की डेट यहाँ पर शो हो जाएगी, यानी कि आपका अकाउंट उस डेट को डिलीट हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर ब्लू कलर में जो ऑप्शन शो हो रहा है डिलीट अकाउंट का, डिलीट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। डिलीट अकाउंट पर क्लिक करते आप यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे, और जब भी आपको डेट मतलब जो भी डेट आपको यहाँ पर शो हुई थी उस डेट से पहले पहले इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन मत करना। यानी कि अगर आपका माइंड चेंज होता है, आप अपने अकाउंट को डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो जो डेट दी थी उस डेट से पहले पहले, यानी कि 30 दिन से पहले पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर लेना, आपका अकाउंट डिलीट होने से बच जाएगा। अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, भाई मुझे तो डिलीट ही करना है, तो 30 दिन तक कभी भी लॉगिन मत करना किसी भी डिवाइस में, अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने का जो नया प्रोसेस आया है। पहले हेल्प सेंटर में जाकर काफ़ी सारे ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता था, तब जाकर आपको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिलता था। ये काफ़ी मतलब छोटा प्रोसेस है और आसान प्रोसेस है, आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि किन किन लोगों को ये न्यू प्रोसेस अच्छा लगा है। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।